कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेस पर यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग रिजल्ट निकाले, उसका मैग्निफिकेशन मिला। मैग्निफिकेशन हम लोग को मिला 1 m/VO/UO (1+D/AP) और सेकेंड वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मिला लेंथ, ट्यूब का लेंथ यानी कि नली का लंबाई। नली का लंबाई हम लोग को मिला VO+AOP और एक फोकस के रूप में हम लोग रिजल्ट निकाले और फोकस के रूप में मैग्निफिकेशन मिला VO/FO(1+D/AP). कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग तीन रिजल्ट देखे, जबकि हम लोग का डी का वैल्यू लेना है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। यहाँ पे न्यूमेरिकल में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो न्यूमेरिकल कह रहा है, बोला एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस और नेत्रिका के फोकस दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों का फोकस दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब जो नेत्रिका द्वारा डायग्राम में हम लोग को मिला हुआ था, अंतिम प्रतिबिंब वह नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो कह रहा है कि अभिदृश्यक से वस्तु दूरी निकाले यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु दूरी निकाले। और आगे चल के दिया हुआ है अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर, अर्थात अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच का जो दूरी दिया हुआ है वह ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है यानी एल का मान दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है गिवन में। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक और नेत्रिका का फोकस दूरी, अभिदृश्य का फोकस दूरी हो जाएगा एफ ओ का मान दे दिया 2 सेंटीमीटर, नेत्रिका का फोकस दूरी यानी एफ ई जिसका वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। आगे चल के दिया हुआ है यदि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब जिसको भी ई बोलेंगे, यह दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि अभिदृश्य से वस्तु दूरी निकाले, वस्तु दूरी यानी कि अभिदृश्यक से यू ओ बराबर हुआ है। हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है ऑब्जेक्ट लेंस से। आगे चल कर दिया अभिदृश्यक और नेत्रिका का बीच का दूरी यानी एल का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये हम लोग के पास डाटा दिया हुआ है, जबकि यू ओ का मान निकालना है। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम रिजल्ट निकाले सेकेंड वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं यूओ का मान पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, यहाँ पे एफ ई मालूम है, वी ई मालूम है, हम लोग को इसके दोनों के सहायता से निकालते हैं यू ई का मान पता कर लेते हैं, अर्थात लेंस फार्मूला अगर लगाते हैं तो लेंस फार्मूला के अनुसार हो जाएगा 1/AP = 1/BE - 1/UE। नेत्रिका लेंस के लिए E लगा हुआ है यानी कि आईपीसी लेंस, नेत्रिका लेंस के लिए तो 1/AP, 1/AP, AP का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 1/BE तो BE का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यह 25 सेंटीमीटर निगेटिव होगा क्योंकि नेत्रिका लेंस जो हम लोग फिगर में देखे थे उसका बायां तरफ हम लोग का इमेज बना हुआ था और चीन परिपाटी के अनुसार वह दूरी हम लोग का निगेटिव होगा -1/UE। यूई यहाँ से पता कर लेते हैं, यूई का जब मान निकालेंगे तो 1/UE इस साइड लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1/25, 1/5 उस साइड चला गया तो माइनस में हो गया 1/5। अगर इसको हल करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 25 कैंसिल हो जाएगा -1 यहाँ पे हो जाएगा 5, अर्थात हम लोग का मिल जाएगा -6/12
25 अर्थात यहां से uv का मान अगर देखते हैं तो मिल जाएगा -25/6 सेंटीमीटर। ue का मान हम लोग का निकला, लेकिन निकालना हम लोग का है uo का मान। तो ऐसे करते हैं, हम लोग लगाते हैं l बराबर फार्मूला, l बराबर अगर लगाते हैं तो vo प्लस ue। ये फार्मूला इसलिए लगाएं कि यहां से vo का मान पता हो जाए। तो l बराबर दे रखा है हम लोग का क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, vo वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लस ue। तो ue का मान यहां पे हम लोग लेंगे 25/6 यानी कि 6। यहां पे नेगेटिव चिन्ह को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव चिन्ह आया है वस्तु के लिए, क्योंकि वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। यहां से vo का मान पता करते हैं, तो vo का मान पता करेंगे तो 25/6 इस साइड आ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा हम लोग का 20 - 25/6। अगर इसको हल करते हैं तो आगे हम लोग का मिल जाएगा 6 और हो जाएगा 120 - 25 अर्थात मिल जाएगा 95/6। यहां से मान मिल गया हम लोग का vo का, जबकि निकालना है हम लोग का मान uo का। तब ऐसे करते हैं, आगे फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या फार्मूला लगाते हैं, अगर m बराबर लगाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का vo बटा fo into 1 plus d बटा fe। यहां से हम लोग पता कर लेते हैं m का मान, m का मान यहां से निकालते हैं तो यहां पे मिल जाएगा हम लोग का m बराबर vo। तो vo का मान यहां पे निकाल लिए, 95/6 हो गया 6 और बटा में हो गया fo। fo का मान हम लोग को दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो बटा में हो गया हम लोग का 2 सेंटीमीटर। इनटू में हम लोग को मिल जाएगा 1 प्लस और d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। और बटा में fe का मान हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। यहां से हल करके m का मान निकालते हैं तो m का मान मिल जाएगा 95/6 (1/2) और यहां से कट जाएगा 5 और 5 + 1 यानी कि 6, 6 से 6 हो गया कैंसिल, अर्थात m बराबर मिल गया 95/2। यहां पे हम लोग का मिल गया मैग्नीफिकेशन m का मान, जो कि इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। निकालना हम लोग का है uo का मान, तो लास्ट में लगा देते हैं फार्मूला हम लोग का m बराबर, जो कि मिला हुआ है vo बटा में uo into 1 plus d बटा fe। और यहां से हम लोग uo का मान पता कर लेते हैं, और यदि हम लोग का निकालना है तो m का मान मिल गया 95/2 और vo का मान हम लोग का निकल के आया हुआ है 95/6 और बटा में हो गया uo, जो कि यही पता करना है हम लोग का, into हो गया uo into 1 plus d का वैल्यू 25 और fe नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहां से हल करके uo का मान पता करते हैं तो मिल जाएगा हम लोग को क्या, 95 से 95 कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर 1/6 into uo। और यहां पे हल करेंगे तो कट जाएगा 5 और 5 + 1 यानी कि हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहां से मिल गया 1/2 बराबर 1/uo, अर्थात uo को मान निकालते हैं तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही हम लोग को पता करना था, uo बराबर क्या होगा, यानी कि अभिदृश्यक का, अभिदृश्यक से वस्तु का दूरी। तो देखो दिया हुआ था fo का मान, fe का मान दिया हुआ था, vo का मान दिया था, अंतिम पर देखें uo पूछ रहा था, ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु दूरी, l का मान हम लोग को दिया हुआ था, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर। यहां से uo पता करने के लिए सबसे पहले लेंस फार्मूला लगा लिए, ue का मान मिल गया, l बराबर वो फार्मूला लगा दिए जहां से vo का मान मिल गया, vo के सहायता से मैग्नीफिकेशन निकाल लिए फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाकर, और इसके बाद जैसे ही मैग्नीफिकेशन मिल गया तो uo का मान निकालने के लिए सबसे ऊपर वाला फार्मूला लगा दिए, और यहां से हम uo का मान निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर, अर्थात ये हम लोग का मिल गया इसका आंसर।
दिया हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल है हम लोग का। क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का अभिदृश्य यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जो हम लोग का इमेज प्राप्त हुआ, तो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा हम लोग का इमेज प्राप्त हुआ, डायग्राम में अभी देखें, और यह इमेज ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जो प्राप्त हुआ वह वास्तविक प्रतिबिंब था। तो वो यहाँ पे यही क्या हुआ है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस के बारे में कह रहा है तथा वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि इस इमेज के बारे में कह रहा है। तो इसको हम लोग डायग्राम में डिनोट किए थे, अर्थात कह सकते हैं गिवन इसका कि वी ओ बराबर 18 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, जबकि यह चिन्ह परिपाटी के अनुसार पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पड़ जा रहा है दाहिनी तरफ, आपतित किरण के दिशा में मापे गए दूरी धनात्मक होता है। इसके बाद दिया हुआ है कि यदि अभिदृश्य तथा नेत्रिका के फोकस दूरी, अभिदृश्य यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस दूरी यानी कि FO इसका मान दिया हुआ है 4 मिलीमीटर और नेत्रिका का फोकस दूरी दिया हुआ है वह है 20 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें, अर्थात m बराबर वाट। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्य यानी कि अभिदृश्य और वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात VO का मान 18 सेंटीमीटर और इसके आगे अभिदृश्य और नेत्रिका का फोकस दूरी दिया हुआ है 4 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर। तो पूछ रहा है हम लोग से कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें, अर्थात m बराबर वाट। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 4 हो जाएगा मिली यानी कि 10^-3 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100, इतना सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू 4×10^-1, क्योंकि 2 जीरो से 3 जीरो निगेटिव है, 1 निगेटिव बच जाएगा, अर्थात यदि कहें तो मिल जाएगा कि 4/10 और नहीं तो फिर बोले तो 0.4 सेंटीमीटर, अर्थात 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट की है तो आया 0.4 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार यदि नेत्रिका के फोकस दूरी को चेंज करते हैं तो 20 और मिली का वैल्यू 10^-3 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसको हल करेंगे तो 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, 3 जीरो, और ये 3 जीरो पॉजिटिव और यहाँ पे 10^-3 निगेटिव, अर्थात यहाँ पे फाइनल हम लोग को मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। निकालना है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन निकालना है तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं VO और यहाँ पे पता है FO, यहाँ पे पता है AP, अगर m बराबर निकालने के लिए हम लोग चलते हैं तो फॉर्मूला लागू करेंगे कि VO बटा में UO इनटू 1 प्लस D बटा AP। तो VO इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, UO ये वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, UO हम लोग निकालेंगे अलग से, तो UO जब अलग से निकालेंगे तब हम लोग को मिल जाएगा लेंस फॉर्मूला के अनुसार 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO, अर्थात वैल्यू रखेंगे तो 1/FO, FO का मान हम लोग का मिल जाएगा 0.4/1/VO, इसका वैल्यू दिया हुआ है 18-1/EO, जो कि हम लोग को पता करना है, क्योंकि जब तक EO का मान पता नहीं होगा यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे तब जाके M का मान मिलेगा। तो EO का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो 1/EO की साइड अगर आता है तो हो जाएगा पॉजिटिव, अब यहाँ पे 1/18 और 1/0.4 उस साइड जाता है तो माइनस, अब पॉइंट को
अगर कैंसिल कर दें यहां से तो मिल जाएगा 10 बटा 4 अर्थात इसको अगर और छोटा कर लेते हैं तो 5 बटा मिल जाएगा 2 अर्थात 1 बटा 18 माइनस 5 बटा 2 यहां से अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो मिल जाएगा वैल्यू हम लोग क्या 1 बटा u को इसके बराबर मिल जाएगा हम लोग का 18 यहां पे हो जाएगा 1 और ये हम लोग का आ जाएगा 45 अर्थात माइनस 44 बटा 18 अर्थात u का मान हम लोग का मिल जाएगा माइनस 18 बाय 44 अब यहां से u का मान हम लोग का मिल गया निकालना था हम लोग का m का मान मैग्निफिकेशन तब यहां से मिल जाएगा m का वैल्यू निकाल लेते हैं vo तो vo का मान हम लोग का दिया हुआ है पहले से 18 अब बटा में uo इसका मान हम लोग निकाले माइनस 18 बटा 44 ये 2 में है 1 प्लस d d का वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर लेते हैं और बटा में fe का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे a टर्म कैंसिल हो जाएगा 44 ऊपर चला जाएगा अर्थात m बराबर मिल जाएगा -44 अब इसको हल करेंगे आ जाएगा कि 2 और 2 प्लस 25 अर्थात m बराबर मिल जाएगा -44 गुने इसको हल करेंगे 25 और 2 27 और बटा में 2 इसको काटेंगे 22 गुने 44 अर्थात m बराबर मिल जाएगा हम लोग का -22 गुने 44 और ये दोनों के जब हम लोग गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग का आंसर आ जाएगा -594 अर्थात कह सकते हैं नेगेटिव चिन्ह छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चिन्ह हम लोग को बता रहा है इमेज जो बन रहा है वह इनवर्टिबल है यानी कि वस्तु के अपेक्षा उल्टा तो आंसर m बराबर आ गया 594